मामला एक तो सबसे पहले ये है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। पाँच दिसंबर 2023 को दलूचक में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव की जब पहचान की गई तो उनका नाम भूपू कुमार, जो दलूचक के ही रहने वाले थे और भवन निर्माण विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बहन संगीता देवी द्वारा एक फर्द बयान में उन्हीं की पत्नी नेहा कुमारी के ऊपर शक जाहिर किया गया। जब अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान में पाया गया कि नेहा कुमारी एक व्यक्ति जो राजन कुमार के नाम से है, उनके काफ़ी समय से संपर्क में थी। शादी से करीब 2 साल पहले से उनके साथ उनकी बातचीत थी और शादी उपरांत जो शादी इनकी जून 2022 में हुई थी उसके उपरांत भी उनके साथ लगातार टच में थी। पति के द्वारा इनका इस संबंध को विरोध किया जाता था, तो इनके द्वारा और नेहा कुमारी के द्वारा और राजन कुमारी के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत ये तय किया गया कि पप्पू कुमार को रास्ते से हटा देते हैं। राहुल कुमार, राजन कुमार और उनके दो अन्य दोस्तों के द्वारा एक साजिश की गई और दिनांक 5/12/2023 को शाम को करीब 9:15 उनके घर पे पप्पू कुमार को गोली मार के हत्या कर दी गई। इसमें जितना अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें पाया गया है कि राजन कुमार के द्वारा अपने सहयोगियों के थ्रू अराउंड 1,00,000 रुपये में ये साजिश की गई थी, जिसमें से इनके द्वारा फ़ोनपे के माध्यम से करीबन 60,000 रुपये का ट्रांजैक्शन अभी तक किया गया है और बाकी पैसा भी इनको देना था। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।